हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग, वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है सेवा योजन पोर्टल से संबंधित। दोस्तों, सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग वैकेंसियां फिलअप की जा। दोस्तों, सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से न्यू जनपद के लिए टेक्निकल वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। दोस्तों, यह आपकी जो वैकेंसी शो होगी वो आपकी 113 नंबर पर शो होगी। दोस्तों, आपको जाना है आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर, जैसा कि मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों, इसमें आपका 1 से लेकर 10 तक वैकेंसियाँ शो होंगी, फिर आपको लास्ट में जाना है। आपका इसमें 10 पेजेस दिख रहा होगा, इसको आपको 100 पेज कर लेना है। 100 पेज आप करने के बाद फिर अंतिम पेज पर जाएंगे तो आपकी वैकेंसी शो होगी 113 नंबर पर या 112 नंबर पर, या फिर आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके अपने पोर्टल पर जॉब के लिए अप्लाई पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको वैकेंसी का डिटेल दिखाता हूँ, किन पदों के लिए आवेदन मांगा जा रहा है और कितने पद हैं और किस किस प्रकार की वैकेंसियां हैं। ऑफिशियल लेटर है जो कि जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा चित्रकूट। दोस्तों, ये जो वैकेंसियां आपकी रहने वाली हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के लिए रहने वाली हैं। दोस्तों, इसमें जो आपकी चयन कराने वाली संस्थान है वो आपकी फ्लामिंगो सीमेंटेशन है, जो कि आपका इसका एड्रेस में दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है। ये आपकी लखनऊ की कंपनी है। दोस्तों, इसमें जो आपका सब्जेक्ट है लेटर में, जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा चित्रकूट में रिक्त पदों के सापेक्ष कार्मिक आपूर्ति हेतु सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु कार्मिक चयन के संबंध में। दोस्तों, जो जिला परियोजना कार्यालय है इसमें अलग अलग पदों की रिक्तियाँ हैं, इस कारण से जो ये चयन कराने वाली संस्थान है इसको नामित करते हुए ये लेटर को जारी किया गया है। इसमें पदों का विवरण भी है, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। दोस्तों, इसमें लिखा है जिला परियोजना कार्यालय समक्ष शिक्षा चित्रकूट एवं विकास खंडों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से विगत प्रकाशित कर चयन की कार्रवाई संपादित किया जाना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्न विवरण के अनुसार रिक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मानदेय के अनुसार सेवायोजन पोर्टल पर 3 दिवस के अंदर विगत प्रकाशित करते हुए चयन प्रक्रिया अग्रिम कार्रवाई संपादित करना सुनिश्चित करें। दोस्तों, जिला परियोजना कार्यालय ने जो चयन कराने वाली कंपनी है, संस्थान है, उसको निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पहला पद है वो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का है, जिसमें कि आपका जो मानदेय रहने वाला है वो आपका 11,200 रहने वाला है। और जो नेक्स्ट पोस्ट है वो आपका अकाउंटेंट का है, इसमें आपका स्नातक मांगा गया है कॉमर्स से, और आपका जो मानदेय रहेगा 18,560 रहेगा। और जो नेक्स्ट है वो आपका सहायक अकाउंटेंट है, जिसमें कि आपका 11,600 मानदेय रहेगा। और जो नेक्स्ट है वो आपका ब्लॉक MIC कोऑर्डिनेटर है। दोस्तों, आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी निकलती है MIC लेवल पर, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी रहेगी ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का ग्रेजुएशन के सिमिलर फील्ड में, और आपका मानदेय रहेगा 14,583 रुपये। और जो नेक्स्ट वैकेंसी है ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर। दोस्तों, इसमें भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन MBA वगैरह मांगा गया है, और आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपको ये कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान होना चाहिए एक्सेल पर, जिसमें कि आपका मानदेय है 16,383 रुपये। और जो नेक्स्ट है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो वैकेंसी है जिला समन्वय डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर निर्माण। प्रीवियस में जो अलग अलग जनपदों में भर्तियाँ आई हैं उसके मैंने वीडियो प्रोवाइड कराए हैं जिला समन्वय निर्माण पोस्ट के लिए। दोस्तों, जिला समन्वय निर्माण डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वर्क का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में BTEC सिविल आर्किटेक्ट में न्यूनतम 7% होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थान में संबंधित क्षेत्र के कार्य का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, आपका BTEC हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, अथवा इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा न्यूनतम 60% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और दोस्तों, और इसमें संबंधित क्षेत्र में 5 साल का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, BTEC के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस, और जो इसमें
मानदेय रहेगा वो आपका 35,000 रुपये रहेगा। मानदेय दोस्तों काफ़ी अच्छा है और नंबर आप जो पोस्ट है वो आपकी एक वैकेंसी है, केवल चित्रकूट जनपद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये अलग अलग पद हैं, आप लोग इसको अप्लाई करना है तो आपको सेवायोजन पोर्टल पर जाना है, अपने यूजर आईडी से लॉगिन करना है, फिर आपकी लॉगिन हो जाएगी, फिर आपको उसमें जॉब अप्लाई का ऑप्शन एक आएगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके पोर्टल पर वैकेंसी शो हो रही है या नहीं हो रही है। दोस्तों आपके पोर्टल पर अगर एक्सपीरियंस लगा होगा तभी वैकेंसी शो होगी, नहीं तो आपके पोर्टल पर वैकेंसी नहीं शो होगी। डिप्लोमा है तो 5 साल का एक्सपीरियंस, बीटेक है तो 2 साल का एक्सपीरियंस। दोस्तों आप लोग वैकेंसी को देखिए, अलग अलग पदों के लिए काफ़ी वैकेंसी निकाली गई है, आप जिसमें एलिजिबल हैं आप आवेदन कर सकते हैं। और आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज करें और कमेंट्स करें, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का पूरा प्रयास करता हूँ। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।